फ्रेंड्स नमस्कार, इंडिया डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है अजित कुमार। दोस्तों आज मैं एक छोटी सी ट्रिक लेकर आ गया हूँ। दोस्तों जब भी आप ऑटो स्कैन करते हैं या कम चैनल आपका जो आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि कम चैनल मिलता है ऑटो स्कैन करने पर, या दोस्तों आपका मतलब 156 चैनल है लेकिन आधा चैनल चल रहा है और आधा चैनल नहीं चल रहा है तो कहाँ से प्रॉब्लम हो जाता है कि दोस्तों आपका आधा चैनल चल रहा है और आधा चैनल नहीं चल रहा है, तो इसी विषय में आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा दे ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है कि आधा चैनल चलता है और आधे चैनल नहीं चलता है आपके डीडी फ्री डिश पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा छतरी है डिश टीवी का और इसी में दोस्तों हमारा जो आधा चैनल चल रहा है और आधा चैनल नहीं चल रहा है। तो कहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है कि आधा चैनल चल रहा है और आधा चैनल नहीं चल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको दिखा दें पीछे से। दोस्तों ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये 90 डिग्री पे होना चाहिए तभी आपका सभी चैनल आएगा। और दोस्तों आपको और बता दूं यहाँ पे LNB देख सकते हैं, ऐसा LNB रहेगा देख सकते हैं एकदम नीचे की तरफ LNB रहेगा तो नहीं चलेगा, सब चैनल नहीं चलेगा, आधा चैनल चलेगा और आधा चैनल नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे पकड़ लेना है और इतना तिरछा कर देना है जो कि डीडी फ्री डिश का स्क्रू एंगल इतना ही तिरछा रहता है तो आपका सभी चैनल चलने लग जाएगा। यही दोस्तों करना है, इतना ही करना है दोस्तों। इतना करेंगे तो आपका चैनल है वो सभी चैनल आ जाएगा, 100% काम करने लग जाएगा। ये कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये प्रॉब्लम है सबके मतलब सबके पास ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो कहीं मान लीजिए ये नच भी जाएगा ऐसे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मिनटों में ठीक हो पाएगा, तो इस प्रॉब्लम को मिनटों में ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।